क्रमांक 39 टिकरापारा यादव मोहल्ला में बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे पहुंचे। इस बीच उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया और सामुदायिक भवन बनाने के लिए आश्वासन भी दिया। इस बीच विधायक ने कहा कि निश्चित ही हमारा बिलासपुर शहर पहले की अपेक्षा बढ़ रहा है और विकास कर रहा है, जिसके कारण लोगों में भी बदलाव आ रहा है। दरअसल बिलासपुर एकदम शांत शहर है और यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं, जिसकी वजह से हर कोई बिलासपुर में रहना चाहता है। वहीं उन्होंने बुजुर्गों के लिए कहा कि हमेशा बड़ों को आशीर्वाद रहना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं और उनके बिना कोई काम सफल भी नहीं होता। क्योंकि यह अवसर है कि हम एक दूसरे को जाने और पहचाने, ताकि आगे भी संबंध बने रहे। यहाँ पर हमारे कंसा चौक में वार्ड नंबर 39 में सभी यहाँ के स्थानीय हमारे सभी सम्मानित नागरिकों से, माताओं बहनों से, युवा साथियों से मिलने का अवसर मिला और इसी अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने का भी अवसर मिला। यहाँ पर उनका सम्मान किया गया। इसके अतिरिक्त हमारे जो सभी साथी हैं यहाँ पर, लालटू घोष जी हैं, जुगल गोयल जी हैं, बत्ती गुप्ता जी हैं, काशी रात्रे जी हैं, हमारे शोभू भाई हैं, मोहन भाई हैं, पप्पू भाई, राकेश जी और यहाँ के जितने स्थानीय लोग हैं, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। और यहाँ पर जो सामुदायिक भवन है, इस सामुदायिक भवन में का एक्सटेंशन किया जाए, इसमें एक शेड निर्माण करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की माताएं बहनें जो हैं इसको धार्मिक उपयोग में बहुत लाते हैं, तो उनके बैठने के लिए और एक छोटा सा टॉयलेट है, इसके लिए 5 लाख रुपए की राशि जो है विधायक निधि से दी गई है और उस पर ताकि यहाँ पर एक सुविधाजनक सुरक्षित ढंग से जो है वो एक वातावरण बने। और आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि बाउंड्री वॉल भी कराएंगे, ताकि और भी सुरक्षा यकीन रहे। और सभी से मिलने का अवसर मिला, अच्छा लगा सबसे मिलकर, और सभी के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। आज हमारे वार्ड नंबर 39 में हमारे वार्ड के बहुत ही सक्रिय कांग्रेसी कार्यकर्ता, ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता लोग मिलकर राकेश जायसवाल एवं मनोज कश्यप इसका वो नेतृत्व करते हुए इस वार्ड के कुछ समस्याओं के लिए विधायक महोदय को यहाँ निमंत्रण भेजा था, जिसको उन्होंने सहर्ष स्वीकार करते हुए आज उन्होंने आए। यहाँ कई सारे मोहल्ले के समस्याओं के साथ साथ इस कंसा चौक में एक सामुदायिक भवन है, जिसके सामने शेड निर्माण के लिए उन्होंने 5 लाख की घोषणा की, जिससे इस मोहल्ले के सारे कामकाज सुचारू रूप से हो सके, संपादन हो सके। इसके लिए हम विधायक जी का विशेष धन्यवाद देते हैं। तो हमारे मोहल्ले के जो ऊर्जावान कार्यकर्ता है कांग्रेस के सक्रिय, इनका भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस महती कार्य। बिलासपुर से राकेश खरी की रिपोर्ट।